नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम देखेंगे कैसे हम एक फ्लैट ट्रेड अकाउंट में कैसे हम अल्गो सेट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू से। तो ये उसका एक डेमो वीडियो है। तो सबसे पहले जो भी मैंने आपको इंडिकेटर दिया है, तो आपको क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में जाएंगे तो आपको क्या होगा, इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट करके एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे, वो सिलेक्ट कर लेना है। और इनवाइट ऑनली स्क्रिप्ट में आपको मैंने जो भी इंडिकेटर आपको भेजा है यहाँ लिस्ट में आपको दिखेगा, आप उसको क्लिक करके आप चार्ट पे लगा लीजिए। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ये इंडिकेटर मैंने चार्ट पे लगा लिया है। ठीक है, तो चार्ट पे लगाने के बाद अगर आपको सारी सेटिंग्स करनी होगी, तो जैसे मान लो कि आपको सबसे पहले टाइम फ्रेम चूज कर लेना है। ठीक है, टाइम फ्रेम के अलावा आपको कोई कौन सी कैंडल स्टिक पे करना है, एकेनासी पे करना है या कैंडल्स पे करना है, ठीक है, वो आप चूज कर लीजिए। और उसके बाद आप कौन सी स्क्रिप्ट पे कर रहे हो, जैसे अगर निफ्टी बैंक है, हम ऑप्शन कर रहे हैं तो निफ्टी बैंक में करेंगे। ठीक है, उसकी स्क्रिप्ट हम लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में आपको या तो स्टार्टिंग में, या तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे बीच में आपको दिया हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे यूटी बोर्ड है ये इंडिकेटर, तो इसका हमने बीच में दिया हुआ है लास्ट में, तो उसकी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर लोगे। अगर जैसे सुपर ट्रेंड है तो सुपर ट्रेंड की सेटिंग कर लोगे, जो भी इंडिकेटर है ठीक है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इंडिकेटर की सेटिंग कर लेनी। और जो भी आप इंडिकेटर की सेटिंग करते हो, तो उसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पे सिग्नल्स जो है उसकी एंट्री और एग्जिट जो है आपकी अलग अलग मिलेगी। प्लस इसके अलावा आपको यहाँ पे आपको बैक टेस्ट का रिजल्ट भी दिखेगा। तो आपको क्या करना है कि अगर इनकेस अगर आप हेकेनासी कैंडल यूज करते हो, तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट है वो आपको काफी ओवर एस्टिमेटेड मिलेगा आपको। तो उसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज टैब में जाना है, और नीचे जो ये लास्ट ऑप्शन है यूजिंग स्टैंडर्ड ओएचएलसी, इसको आपको क्लिक कर लेना। तो ये जो ओवर एस्टिमेटेड रिजल्ट जो होता है वो आपको यहाँ पे कम कर देता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में आपका रिजल्ट होता है वैकेंसी कैंडल पे। ठीक है, और हाँ, तो इसके यहाँ पे अब जाएंगे इनपुट टैब में, और मान लो कि हमें अब जो सेटिंग करनी है, तो ये एक तो आपका इंडिकेटर का सेटिंग हो गया। इसके बाद में हम प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का भी हम इसमें कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे ऑफ रखा है टारगेट और स्टॉप लॉस का, तो अगर टारगेट हमें मान लो कि पॉइंट में रखना है, तो हम पॉइंट में करेंगे या तो परसेंट में करेंगे। तो पॉइंट में करेंगे तो मान लो कि हमें अगर टारगेट 100 पॉइंट लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एंट्री होगी वहां से वो 100 पॉइंट काउंट करके इंडेक्स पे आपका उस टाइम पे एग्जिट कर देगा। ठीक है, तो ये आपका अभी केनासी कैंडल पे दिख रहा है, आप नॉर्मल कैंडल पे करें तो नॉर्मल कैंडल के हिसाब से आपको टारगेट दिखेगा। ठीक है, तो आप इसमें चाहो तो सिर्फ टारगेट भी ऑन कर सकते हो, चाहो तो दोनों ऑन कर सकते हो, इवन स्टॉप लॉस भी ऑन। अगर स्टॉप लॉस ऑन करता हूँ तो आपको स्टॉप लॉस का रेड लाइन यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आपका स्टॉप लॉस का रेड लाइन दिख रहा है। तो आप इसको भी ऑप्टिमाइज करके यहाँ पे जो रिजल्ट है आपको उसको पॉजिटिव अच्छा सा लेके आ सकते हो। ठीक है, ओके, फिलहाल अभी मैं इसको जो स्टॉप लॉस ये सारा ऑफ कर देता हूँ मैं। इसके बाद हम आ जाएंगे इसमें स्टार्टिंग में, ये आपका ट्रेड टाइमिंग है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में आपको ट्रेड करना है, ठीक है, इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मान लो कि 9:32 से 3 बजे तक करना है, तो ये 24 आवर फॉर्मेट में आपको डालना होता है। तो यहाँ पे आप बाय मैनुअली ऐसे लिख दोगे हाथ से, ऐसे सिलेक्ट करके 0930। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 15 है, वो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो 1500। ठीक है, तो ये 3 बजे तक ट्रेड करेगा, और 3 बजे के बाद आपको स्क्वायर ऑफ टाइमिंग डाल देना है। ठीक है, इंट्राडे के लिए, तो मैंने 3 बजे खत्म होता है तो 3 बजे हमारा स्क्वायर ऑफ शुरू होगा, और लास्ट हमारा जो टाइम है वो भी डाल देंगे। तो इन दोनों टाइम के बीच में जो फर्स्ट क्लोजिंग कैंडल आएगी वहां पे आपका एग्जिट होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे 5 मिनट का है, तो 3 बजे शुरू होगा, तो 3:05 पे आपका पहला एग्जिट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको एग्जैक्टली 3 बजे की कैंडल में आपको स्क्वायर ऑफ का दिख रहा है। ठीक है, तो 3 बजे की कैंडल में आपको 3:05 पे आपकी कैंडल क्लोज होती है, तो वहां पे आपका स्क्वायर ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका और स्क्वायर ऑफ जो कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंट्राडे आपका सिलेक्ट होना चाहिए, इंट्राडे या तो डिलीवरी में। इसके बाद अगर आपको पर्टिकुलर कोई सेशंस में आपको ट्रेड कोई पर्टिकुलर डे पे ट्रेड नहीं करना है, जैसे ये आपका फ्राइडे, अगर मैं फ्राइडे डी सिलेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा,
फ्राइडे का जितना भी ट्रेड है वो साला सब नहीं आएगा, ठीक है, आपको ट्रेड का पोजिशन नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उससे भी आप यहाँ पे इसको जो रिजल्ट है आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम कोर अल्गो जिसमें हम सेटिंग करने वाले हैं। तो फ्लैट ट्रेड का हम अल्गो सेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले सबसे पहले हम सेगमेंट चूज कर लें कि हम किस सेगमेंट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको एक करीब दो चार पांच ऑप्शन दिए। एक एनएससी ऑप्शन कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, निफ्टी मिड कैप, ये सब सब कर सकते हो उसके अंदर। और एनएससी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अगर फ्यूचर कर रहे हो तो फ्यूचर कर लेना है। अगर एमसीएक्स में कर रहे हो तो एमसीएक्स का ऑप्शन, एमसीएक्स का फ्यूचर कर सकते हो आप। इसमें क्रूड ऑयल कर सकते हो, ठीक है, नेचुरल गैस भी कर सकते हो, फिर इक्विटी कर सकते हो। खाली आप स्टॉक ऑप्शंस नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसमें मार्केट ऑर्डर अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो हम ये एनएससी ऑप्शन चूज कर लिया। फिर आपको ऑप्शन बाइंग करने की सेलेक्ट करनी है वो चूज कर लेना है। तो ऑप्शन बाइंग सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी डालना है। कैसे डालना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या है कि फ्लैट रेट का अकाउंट खोलना है। और फ्लैट रेट का अकाउंट खोलेंगे तो आपको यहाँ पे आप जाएंगे ऑर्डर में, ठीक है। जब आप ऑर्डर में जाएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है वेबुक ऑप्शन में। वेबुक जाएंगे तो आपको बोलेगा क्लिक टू जनरेट योर वेबुक यूआरएल, तो आपको क्लिक कर लेना। अगर वो फिर से आपको लॉगिन करने के लिए बोले तो आप जरूर लॉगिन करिएगा फिर से, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया था इसलिए अपने आप खुल गया है, ठीक है। तो आपको सेकेंड टाइम लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद में आपको ये सब पेज खुल जाएगा जिसमें वेबुक यूआरएल होगा, ये सब होगा, फिर जेसन स्ट्रिंग होगा। तो जेसन स्ट्रिंग में आप देखेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लाइंट आईडी मिल रहा है, ये आपको कॉपी कर लेना है डबल क्लिक करके, ठीक है। और कॉपी कर लिया हमने, ठीक है, और ये क्लाइंट आईडी जो है हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, इसको हमने ऑलरेडी है तो उसको हमने पेस्ट कर दिया है। फिर जो सीक्रेट कोड है वो आपको डालना है। कहाँ से लाना है, आपको क्या करना है, इसी जेसन कोड के अंदर आप देखेंगे ये सीक्रेट कोड जो है आपका कोड के सामने ये लिखा है ना 73 से, तो इसको आप क्या करना है, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिना इन्वर्टेड कॉमा के सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना है और इसको डाल देना है यहाँ पे आपके सीक्रेट कोड में, ठीक है। फिर आपको इंट्राडे करना है या डिलीवरी करनी है, इंट्राडे करना है, ठीक है। अगर डिलीवरी करना है तो आपको क्या, अगर कंटिन्यूस आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, बिना कोई सेशंस के, तो आपको क्या करना है, सारा चीज जो है आपको जीरो जीरो कर देना है यहाँ पे, ठीक है, जीरो 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 जीरो। तो क्या होगा, एक कंटिन्यूअस ट्रेड जो है वो लेता ही रहेगा जैसे चल रहा है आपका, ठीक है, कंटिन्यू बिना कोई उसके टाइम के, जहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है वो एग्जैक्टली आपका चलता ही रहता है, ठीक है। तो आपको जीरो जीरो टाइम सेट कर देना और यहाँ पे डिलीवरी सेट कर देना। तो उसके बाद फिर आपको कितने लॉट पे ट्रेड करना है ये आपको यहाँ पे डालना है, एक लॉट, दो लॉट, पांच, ठीक है, वो लॉट साइज आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट जो है वो आपको चूज करना है, स्पेसिफिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑप्शंस के मान लो कि एक्सपायरी मान लो कि आप चूज करते हो तो यहाँ पे जनवरी मंथ आप चूज कर लेते हो, अगर कोई दूसरा मंथ है तो आपको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जनवरी चूज करके आपको डेट चूज कर लेना है। मान लो कि आपका ये आज 7 तारीख है तो फिर अगला एक्सपायरी जो है 10 तारीख को है। आप चाहो उस एक्सपायरी में कर सकते हो, मंथली में भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने मान लो कि 10 तारीख सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और ये टाइमिंग तो हमें वैसे रहने देना है। और इवन आपका फ्यूचर का हो तो फ्यूचर का भी आपको डेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो आपको कहाँ मिलेगा, आप फ्लैट रेट में जाएंगे तो आपको वहां पे हर एक फ्यूचर की एक्सपायरी का डेट भी आपको लिखा होगा, वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। स्ट्राइक डिफरेंस क्या होता है, तो जैसे आपका निफ्टी बैंक है तो निफ्टी बैंक में क्या होता है, ऑप्शंस के अंदर ये होता है कि आपका जो जैसे कि आपको पता है कि 48,000 के बाद कौन सी स्ट्राइक आती है, 48,100, 200, 300, तो 100-100 की दूरी पे। तो ये जो डिफरेंस है हमको वही डालना है 100। अगर यहाँ पे अगर आपका निफ्टी 50 होता तो आपको यहाँ पे कितना डालना है, 50 डालना है, फिर निफ्टी है तो भी 50 डालना है, ठीक है। इसके अलावा फिर आप स्ट्राइक सिलेक्शन जो है वो आप कर सकते हो, एट द मनी, इन द मनी, ठीक है, पांच इन द मनी है, पांच आउट ऑफ द मनी है। तो जैसे आपको अगर यहाँ पे एंट्री प्राइस आपको दिख रही है शॉर्ट प्राइस की, देखिए ये कितनी है, 48,182 के आसपास है। तो यहाँ पे आपका अगर एट द मनी सिलेक्ट होगा तो 48,200 का पी बाय करेगा, ठीक है। और अगर इन द मनी में होगा, इन द मनी ITM 1 सिलेक्ट किया है तो आपका 300 का, 48,300 का पी बाय करेगा। और उसी तरह अगर OTM होगा तो 48,100 का पी बाय करेगा, ठीक।
तो यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, और ये तो इंडिकेटर का सेटिंग है, और ये आपका स्टॉपलॉस। तो ये हमने ये सारा सेट करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम ओके कर लेंगे। ठीक है, अब ओके करने के बाद क्या करेंगे, इस पे हमें कलर लगाना पड़ेगा अल्गो अल्गो स्टार्ट करने के लिए। तो हम ये थ्री डॉट पे जाएंगे और यहाँ पे एड अलर्ट ऑन यूट्यूब बोर्ड पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको दो ऑप्शन देखेंगे, सेटिंग और नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले सेटिंग में आपको जाके क्या करना है, कंडीशन में ऑलरेडी आपका यहाँ से सिलेक्ट किया है तो आपका इंडिकेटर का नाम रहेगा, अगर नहीं है तो आपको जरूर आपका इंडिकेटर का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप अलर्ट नेम लिख देंगे, कोई भी एक आप नाम दे दीजिए। मैं जैसे देखता हूँ कि निफ्टी बैंक है, मैं निफ्टी बैंक लगा रहा हूँ, निफ्टी बैंक का अल्गो लगा रहा हूँ, जस्ट लिख देता हूँ नाम। और यहाँ पे मैसेज में एक ऑलरेडी प्री बिल्ट मैसेज इसमें रहेगा, ठीक है, आपको उसको छेड़ना नहीं है, वैसे के वैसे रहने देना है। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन में जाएंगे और यहाँ पे आपको वेबुक यूआरएल डालना है। ठीक है, तो वेबुक यूआरएल कहाँ से डालेंगे, हम जाएंगे फ्लैट ट्रेड में और यहाँ पे हमने जो फर्स्ट हमने देखा है ये इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज है वो 24 आवर्स के लिए वैलिडेट होता है। ठीक है, हर दिन आपको नया ही आपको लॉग इन करके ये आपको लाना होगा। ठीक है, 12 रात को 12 बजे के बाद आपके नया जनरेट होगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करना है, ये वेबुक यूआरएल आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, वेबुक यूआरएल कॉपी करने के बाद में आपको वापस आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, वेबुक यूआरएल, बाकी जो नोटिफाई ऐप कर रहा है, ऐप में चाहते ऐप में, अगर पॉपअप चाहते पॉपअप, ईमेल की जरूरत नहीं है। एक साउंड आप सेट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको देखिए कि वेबुक यूआरएल तभी आपको खुलेगा जब आपका सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है, तो फिर इसका ट्रेडिंग का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है मिनिमम से, कोई भी फ्री वर्जन में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। और आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो शायद हो सकता है आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी पूछे, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर करिए इसका ट्रेडिंग का अकाउंट का। इसके लिए आपको गूगल ऑथेंटिकेटर एक ऐप डाउनलोड कर लेनी होगी, और वहाँ पे जो भी आपको स्टेप दिखा रहा है, क्यू आर कोड स्कैन करना है, ओटीपी डालना है, वो सारा चीज करने के बाद में आप यहाँ पे ये ऑप्शन आपको ये खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो डाल दीजिए। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको क्रिएट कर लेना है। क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पे जो एक घड़ी जैसा ऑप्शन दिख रहा है अलर्ट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो अलर्ट हमने बनाया है वो यहाँ पे अलर्ट क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे हम, देखिए यहाँ पे आपका ये अलर्ट आ गया है। ठीक है, तो ये अलर्ट्स में आप देखेंगे तो अभी थोड़ा व्हाइट कलर का दिख रहा है, तो इसका मतलब कि एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्टिव दिख रहा है और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है, प्लस बैंक निफ्टी पे, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट दिखेगी आपको। प्लस अब आप कर्सर रखेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में पैनल खुल रहा है, तो उसमें आपको जो भी इंडिकेटर का जो सेटिंग है, ठीक है, इनपुट टैब में वो सारी वैल्यूज आपको दिखेंगी, सिर्फ एक एक्सपायरी डेट्स जो होंगी वो आपको नहीं दिखेंगी बस। ठीक है, आपको अलर्ट्स बंद करना है, स्टॉप करना है, तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, तो आपको ये देखिएगा, आपको व्हाइट कलर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको अलर्ट्स नहीं भेजेगा। ठीक है, उसके अलावा आप ये यहाँ पे एडिट ऑप्शन है। ठीक है, तो मान लो कि आपको अगर कुछ इंडिकेटर में सेटअप चेंज करना है। ठीक है, हमने तो ये डाल दिया, जो भी इसने याद रखा है वो क्या याद रखा है, जो हमने अलर्ट बनाया उस समय उसने जो याद रखा था वही रखा था। लेकिन मान लो कि हमको चेंज करना है, मान लो कि एक नया दिन आ गया और हमारा सीक्रेट कोड मान लो कि चेंज हो गया। ठीक है, सीक्रेट कोड चेंज हो गया, प्लस मान लो कि हमारा एक्सपायरी डेट भी चेंज हो गया, तो एक्सपायरी डेट नया चेंज करने के लिए हमने मान लो 17 तारीख चूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तो हमने चेंज कर लिया लेकिन हमारे अलर्ट्स में अभी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो अलर्ट्स में बदलाव करने के लिए क्या करेंगे, हम एडिट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे कंडीशन है इसको हम ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो इंडिकेटर आपका ऑलरेडी पहले वाला था ये है, और नया वाला क्या होगा, जो नए हमने बदलाव किए हैं वो आपका यहाँ पे आपको दिखेगा, तो ये वाला इंडिकेटर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेम नाम के दो इंडिकेटर रहेंगे आपको, ये पुराना वाला है, ये नया वाला है। ठीक है, तो नया वाला सिलेक्ट कर लेंगे, और प्लस नया वेबुक यूआरएल भी होगा आपका, क्योंकि सीक्रेट कोड अगर चेंज करते हो तो नया वेबुक यूआरएल भी आपका ऑब्वियसली नया रहे, तो ये भी आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। ठीक है, ये डालने के बाद आपको उसको सेव कर देना है, तो क्या हो जाएगा, जो भी हमने चेंजेस किया वो सारा यहाँ पे अपडेट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे इसको अपडेट करते हैं। इनकेस अगर आपको मान लो कि सिर्फ टाइम फ्रेम अपडेट करना है, मान लो कि अभी 5 मिनट पे है, अगर मुझे 15 मिनट पे चलाना है, तो ऐसे हम सिलेक्ट करेंगे 15 मिनट करके, तो आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन दिखेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई यूट्यूब बोर्ड का दूसरा ऑप्शन नहीं दिखेगा यहाँ पे, करेक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि
इसी इंडिकेटर में कुछ थोड़ा सा ऐसा बदलाव करेंगे जैसे कि कुछ फर्क ना पड़े। तो जैसे संडे का है, मैं इसको अनक्लिक कर देता हूँ, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको क्लिक किया और फिर यहाँ पे एडिट में जाएंगे और यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे। देखिए आपका दूसरी बार आ गया, इसको सिलेक्ट कर देंगे तो आपका देखो 5 मिनट की जगह फिर 15 मिनट हो गया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपका इनपुट टैब में बदलाव होना जरूरी है, तभी आप इसको अपडेट कर सकोगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्लैट रेट का अल्गो सेट। जैसे हमारा कोई भी सिग्नल आएगा तो सीधा फ्लैट रेट के अकाउंट में आपका ट्रेड शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके।